हेलो गाइस वेलकम करने तो अपने यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज फिर ऐसी रिएक्शन दवांगे एक और रोस्टिंग वीडियो दे पीछे भी कहीं की थी ये रोस्टिंग वीडियो पहले इनना वीडियो की थी ये दे है कि ये इंडियंस एड्स नु रोस्ट कीता ना इंडियन एड्स इंडियंस एड नु रोस्ट कीता रोस्टेड रोस्ट मतलब उन्हां दा कोई मुंह सिर मत्था नहीं है मतलब पहले कुछ और बहा रहे ने और लगदा सानू कुछ और है कि एस चीज है पूरी स्टोरी है चलदी 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 इधर नु हो जांदी है मीन है वेने दे विच उन्होंने की कीता लेट्स स्टार्ट दा वीडियो। आज हम बात करेंगे इंडियन एड्स की। जैसे इंडियन न्यूज में कोई लॉजिक नहीं होती, ऐसे ही इंडियन एड्स में भी लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं होती। अब बात यह नहीं है कि बस इंडियन एड्स में ही लॉजिक नहीं होती, बल्कि पाकिस्तान में भी कुछ वसीम शेह जैसे हैं जिनके एड्स में लॉजिक बस इतनी होती है जितना टिकटॉकर्स में टैलेंट है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एड्स की जिनको देखने के बाद आपका दिल करेगा कि आप अपनी आंखों को हार्पिक से धोना शुरू कर दो, जिनको देखने के बाद आपको लगेगा कि यार टिकटॉकर्स में फिर कोई थोड़ी बहुत सेंस होती है, जिनको देखने के बाद आपको इस चीज का एहसास होगा कि ये देखने के बजाय मैं जुनेद अकरम का स्नैक शो देख लेता। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एड्स के जिनमें लॉजिक के साथ 15-20 लोगों ने मिलकर हम बिस्तरी की है। आज हम बात करेंगे उन डायरेक्टर्स के एड की जो सुबह हगते हुए लॉजिक से भी साथ ही हग देते हैं। फिर से हाथ घिस गए पर दाग नहीं गए। अभी तक आपने यही देखा कि बच्चा अपने कपड़े गंदे करके आता है और उसकी माँ हाथ में लेकर रगड़ना शुरू कर देती है शर्ट, लेकिन शर्ट साफ ही नहीं होती। अब एक नॉर्मल इंसान यही समझेगा कि ये किसी वॉशिंग पाउडर का एड है, लेकिन आप किसी खुसरे से औलाद की उम्मीद रख लो, लेकिन इन एड्स के डायरेक्टर से किसी अच्छे की उम्मीद ना रखना। इंस्टेंट सफेदी चाहिए तो ये लो। साधारण डिटर्जेंट ना दे पाए मन चाहे सफेदी, मगर बजाज सीएफएल दे चुटकी में चमकती सफेदी। यार ये क्या चुस्स है, मतलब एक बल्ब की रोशनी से शर्ट सफेद करने का एड। यार आप किसी बच्चे से भी पूछो वो भी यही कहेगा कि इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बनती, इससे अच्छे स्क्रिप्ट्स तो जैद अली के व्लॉग्स के होते हैं। अबे यार सॉरी। अब कपड़ों से दाग निकालने के लिए ये भाई साहब बल्ब दे रहे हैं। अगर कल को अगली कहती है कि मुझे ऊंचाई पर चढ़ने का बड़ा शौक है तो तुम क्या बांस ला कर दोगे कि बांस पर चढ़ो और चढ़ो मेरे। यही होता है कि जब बंदे को कब्ज हो और वह दिमाग पर चढ़ जाए। पता नहीं इनके दिमागों में कौन सा लुक पड़ा हुआ है जो इन्हें समझ नहीं आती कि किस चीज को किसके साथ रिलेट करना है। अब एक आधा बल्ब अपनी तशरीफ में भी घुसेड़ो ताकि तुम्हें समझ आए कि एड्स बनाते किस तरह। अब मेरे जैसे बंदे को अगर कोई इस तरह का स्क्रिप्ट लाकर दे कि भैया आपने इसमें एक्टिंग करनी है तो मैं कहूंगा कि बेटा इसकी बत्ती बनाओ, लेकिन इन्हें एक्टिंग करने का इतना शौक चढ़ा हुआ है कि आप इन्हें एज ए लुक भी एक्टिंग करने का कहोगे तो ये मान जाएंगे। अगर आप कहोगे कि पीके जैसी कोर फिल्म बननी है उसमें रेडियो के पीछे वाला रोल करने आपने तो ये तब भी मान जाएंगे। अबे अबे यार इनसे अच्छी एक्टिंग तो लोग समीना पीर दादा के शो में आके कर लेते हैं। घटने के टाइम क्या आप यहीं बैठी थी? Yes. तो हुआ क्या था? कर्टन के पीछे से उसने मुझे अटैक किया। चोर के हाथ में चाकू और आपके हाथ में सिर्फ अंगूठी, डिफेंड कैसे किया? ऐसे कैसे? बजाज का पंखा कर दे सबको हक्का बक्का पक्का। भैया यू मीन दिस फैन वाकई यार ना अब मुझे मारो सही गाल ठीक ठाक मेरा गड़ा किता बहुत है अभी तो यार। बहुत है भाई मुझे घर जाना है। बजाज का पंखा कर दे सबको हक्का बक्का पक्का। ना एड में कोई सेंस है और ना ही लाइन में। उधर बजाज का बल्ब शर्ट्स के दाग निकाल रहा है और इधर ये बजाज का पंखा बंदे मार रहा है और इस एड के डायरेक्टर साहब लॉजिक की मार रहे हैं। मेरी आर्मी चीफ ना सीधी गलबात होंगी, यकीन करो मैं कहना सी कि यार छड़ो असला उसला बाड़ना तो बजाज के पखे लाओ। मतलब यार कोई बात का तुक ही नहीं बनता, कोई थोड़ी सी तो सेंस बने, कोई 19-20 तो हो ना, बिल्कुल ही लॉजिक ढूंढने से भी नहीं मिल रही। ये तो वही बात हुई ना कि बंदा हेलीकॉप्टर के साथ किक लगा दे या फिर किसी के मरने पर रशियन सैलड बना ले। है कोई शायद हैरान होने वाली इस पखे विच, ओही 3 पर पखा है हैरान इंज होंदे ने कि जिवें पता नहीं 8 पर पखा है अन्नी दे। शुक्र है कि कोई लटका के नहीं मार दिया कि आत्महत्या करने के लिए सबसे मजबूत क्वालिटी।
वैसे इन एड्स के डायरेक्टर जितने कोई फजूल हैं, ये तो पिज्जा भी पुदीने वाली चटनी के साथ खाते होंगे। एहो जे डायरेक्टर नु कोई बहुत वड्डा प्रोजेक्ट भी लब्बे ना तो नसवार दा एड लब्दा है बस। और कसम से ये उसमें भी लाजी की मां बहन कर देंगे। हमला क्या इसने मेरा एल करना है, चाकू तो सही से पकड़ा नहीं जा रहा, बीसी अटैक करने की क्या जरूरत थी, जितनी बुरी ये शक्ल बनाता है उससे तो बंदा ऐसे ही डर के मर जाए। और हरकतें देखो, लगता है कुत्ते दी पुछल ते पैर आया होंदा। बंदा आवाज की तो कोई सेंस बना लेता है यार, ये इंसानों वाली आवाज है, घोड़ा ऐसी आवाजें निकालता है। और वैसे भी ऐसी शक्ल तब बनती है जब बंदे का एल्विश यादव जिप में आ जाए। बड़ा कोई गोडे वर्गा सिर है तेरा। और आपके हाथ में सिर्फ अंगूठी। अरे यार, अबे यार इतनी सस्ती एक्टिंग पैन। अरे मत। शबीर जाफरी ने जो अपने साथ कपूरे उठाई करने के लिए रखे होते हैं ना, वो भी इनसे अच्छी एक्टिंग करते हैं। खलोती गड्डी थले आके मरण आ लिया। इस जैसे पुलिस वाले होते हैं जो मुजरा करके मुजरमों को एंटरटेन करते हैं। वैसे नॉर्मल तो पुलिस कोई अच्छा काम करे उसे फूल देते हैं ना, लेकिन इस जैसे पुलिस वाले को फूल नहीं बल्कि फूल ही देने चाहिए यार। कि यार कसम है, जहन और पास ले जाते हो, अपना भी तो मेरा भी। बच्ची प्रेगनेंट हो गई है, वो भी शादी के बगैर। अब बच्चे का नाम एल्विश यादव रखना पड़ेगा। अब इस एड में होता यह है कि ये बच्ची प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई अता पता नहीं कि कैसे। ना रात को दरवाजा खुलने की आवाज आई और ना ही खुलने की आवाज आई दरवाजा, ना कोई आ ऊ की आवाज आई है, ना ही कमरे के पर्दे फटने की आवाज आई और ना ही फटने की आवाज आई है कमरे के पर्दे, ना इसके कमरे में कोई बंदा आया गया। लेकिन बच्ची उम्मीद से हो गई, ऐ काम पाया कि नहीं। इसे देखो, लगता है ना सोटी ते कपड़े टंगे। और बेटे तुम दोनों भी अगर एक्टिंग करोगे तो वडीद ते ओजड़ियां कौन कठियां करेगा। बड़ा कोई वैसपे दी किक वरगा मुंह है तेरा। भाई मान लिया चाइना ने तरक्की कर लिया, लेकिन अब इतनी भी क्या तरक्की कर ली कि मतलब टीवी के साथ ही। अभी सिर्फ यहाँ तक नहीं, आगे भी देखो। कदी मनु एना एड्स दा डायरेक्टर लब जाए ना, उत्थे फेर मारा जित्थू सोखा लंघ जाए। साले को बम से उड़ा देना, एक बार हाथ में आ जाए तो बस एक मुंह से हगना बाकी रह गया, बाकी तो हर तरह की चीजें इन्होंने अपने एड्स में दिखा ली हैं। बल्ब से शर्ट्स फैद हो रही है, पंखे से बंदे मर रहे हैं, टीवी के साथ हम बिस्तरियां हो रही हैं। पता नहीं या तो हम बहुत पीछे रह गए हैं या ये लोग कुछ ज्यादा ही आगे निकल गए हैं। अबे हथौड़ो, ये 2021 चल रहा है, कुछ थोड़ा बहुत बजट ज्यादा कर लो और एक्टर्स के साथ साथ स्क्रिप्टिंग भी अच्छी करो। एक टाइम था कि जब यूफोन के क्रिएटिव एड्स देखने को मिलते थे और कसम से ड्रामे के दौरान इंतजार होता था कि कब यूफोन का इश्तेहार चले। लेकिन अब तो बस आओ पाओ ना होते जाओ वाला साहब है, ना कोई लॉजिक ना कोई सेंस, बस अन्य वा एड्स बनाई जा रहे हैं। आज के लिए बस इतने। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत ही सीएस कम है यार। यार अजीब काम कर चलते हो, हाथ भी हो गई है, मतलब करना क्या चाहते हो? कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? यार वैसे सही बजाइए, राख के बजाइए, अजीब काम नहीं यार। पखे दे नाल कदी कुछ कर रहे हो, टीवी नाल तुसीं कुछ कर रहे हो, बर्फ नाल तुसीं कुछ कर रहे हो, सेंस कुछ बनदी है आवाज जो ऐड के होर चीज आ जंदा। पहला ऐड नहीं वेख्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਹ ਕਰੇ ਨੇ ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਲਬ ਨਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਡ ਚਿੱਟੀ ਕਰ ਚੜੀ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਰੋਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏ, ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਓਰੀਜਨਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।